बार बार नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। रिप्लाइजिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल एक उपाय बता रहा हूं। मनी रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी, साथ में जो भी कार्य आप कर रहे हैं हर काम में आपको सफलता मिलेगी। बस छोटी सी दो चीजें यदि आप एक प्रयोग करके और उसको खाना शुरू कर दें, आप देखेंगे दोस्तों कि आपकी जिंदगी में परिवर्तन नजर आएगा। ये प्रयोग दोस्तों गणेश भगवान का है। गणेश भगवान जो है ये कहे जाते हैं विघ्नों के हर्ता हैं। जो भी कार्य में रुकावटें आती हैं तो समस्त प्रकार के विघ्नों को हरने वाले गणेश भगवान है। आप सभी जानते हैं कि कोई भी अनुष्ठान किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, पूजा किया जाता है, सर्वप्रथम गणेश जी को ही पूजा जाता है। कुछ वास्तु टिप्स मैं आपको बता दूं। कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गणेश भगवान की प्रतिमा यदि आपके घर में स्थापित है, अगर वो गलत तरीके से स्थापित है तो आपके घर में दरिद्रता का निवास हमेशा रहेगा, क्योंकि गणेश भगवान की जो पीठ होती है यहां पर दरिद्रता का निवास माना गया है। अगर आप लोगों ने घर में गणेश भगवान की मूर्ति अगर इस तरीके से स्थापित की हुई है कि उनकी पीठ जो है वो आपके घर के अंदर है, तो आपको सभी कार्यों में विघ्न आएंगे, दरिद्रता हमेशा आपके घर में टिक कर रहेगी, लक्ष्मी का निवास कभी नहीं होगा। तो एक चीज का हमेशा याद रखें कि गणेश भगवान की आपने यदि प्रतिमा लगाई हुई है या फोटो लगाई हुई है या नहीं लगाई हुई है, तो आप लगाएं किस तरीके से, यह मैं आपको बताता हूं। आपको करना क्या है कि घर के आपके जो मुख्य दरवाजा है वो जो पश्चिम दिशा होगी, ठीक है, अपने घर के मुख्य दरवाजे की पश्चिम दिशा की तरफ आपको गणेश भगवान की फोटो या मूर्ति प्रतिमा जो भी आप स्थापित कर रहे हैं उनकी पीठ घर के पीछे हो, ठीक है, और उनका मुख जो होगा आपके घर के अंदर हो। जब भी आप घर से बाहर निकले तो गणेश भगवान के दर्शन आपको होने चाहिए। आप ये चीज अपने मेन गेट पे भी कर सकते हैं, कोई फोटो प्रतिमा या टाइल्स वगैरह में जो चित्रित होती है वो फोटो या टाइल्स लगा सकते हैं। जब भी आप घर से निकलें तो गणेश भगवान को देख के दर्शन करके अगर यदि आप निकलते हैं तो आपको हर कार्य में सफलता मिलना शुरू होती है। और एक चीज बता दूं दोस्तों, कभी कभी हम लोग कुछ ऐसी छोटी छोटी सी गलतियां कर देते हैं जिनके कारण हमारी जिंदगी में दूसरे को ग्रह, दूसरे के ग्रह का जो दुष्प्रभाव होता है वो हमारी जिंदगी में हमको देखने के लिए मिलने लगता है। कभी भी दोस्तों भूल करके भी, अपने घर के सदस्यों के भी, अगर आपने घड़ी यूज की है तो घड़ी कभी यूज ना करें। घर वालों की, घर के मेंबर्स ही कर रहे हैं तो ठीक है, कम इफेक्ट पड़ता है, लेकिन बाहर वाला कोई व्यक्ति है तो कभी भी उसकी घड़ी, जूते, चप्पल, कपड़े, ऐसी कोई भी चीज कभी भी आप उपयोग में ना लें, क्योंकि उसकी जो भी दरिद्रता होती है, उसका जो बुरा वक्त होता है, उसकी जो नेगेटिविटी होती है, उसका जो बुरा समय चल रहा होता है वो हमारे ऊपर आ जाता है। दोस्तों हमारी बॉडी जो है इसको आप आम मत समझिए कि ये बॉडी सिर्फ ऐसी है, हमारी बॉडी पूरी एनर्जी से भरी हुई है। प्रकृति ने सिर्फ इंसान को सबसे ज्यादा समझदार, पावरफुल इंसान बनाया है, बुद्धिमान बनाया है और एक एनर्जी के साथ में क्रिएट किया है। इंसान का दिमाग जो कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता। आज पूरे ब्रह्मांड की सैर कर रहा है इंसान, इतनी पावर है इंसान में। तो इंसान की बॉडी जो होती है, ठीक है, सभी के आप देखेंगे प्रकृति के, यदि आपको खेल को समझना है तो एक चीज आप थोड़ा सा नोटिस करिए कि आपके अंगूठे का निशान, ठीक है, जितने लोग इस दुनिया में आए हैं, जितने लोग इस दुनिया में प्रेजेंट में हैं और जितने लोग आएंगे, सबके अंगूठों का निशान अलग अलग होगा। अनगिनत लोग इस दुनिया में आए हैं, लेकिन प्रकृति का ये एक चमत्कार देखिए कि किसी के भी अंगूठे का निशान उससे मैच नहीं होता है। सबको प्रकृति ने अलग अलग गुण दिए हैं, अलग अलग ताकतें दी हैं। और यदि आपका अंगूठा जल जाता है और इसकी जो रेखाएं होती हैं तो जब ये कवर होता है तो फिर से वैसे ही हो जाता है। तो इस चीज से समझिए कि प्रकृति कितनी चमत्कार करती है, कुदरत, प्रकृति के नियम को समझिए। अपनी जिंदगी में यदि आपको कोई भी चीज आकर्षित करनी है, कोई भी चीज को पाना है, आपके कोई डिजायर है, तो मैं आपको बहुत अच्छा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टेक्निक बता रहा हूं। उन चीजों को आप बस विजुलाइज करना शुरू कर दीजिए। आपकी इमेजिनेशन में जो पावर है, आप जिन चीजों को अगर अपने दिमाग में बैठाते हैं, फीलिंग्स के साथ में सोचते हैं, तो वही चीजें आपकी जिंदगी में रियलिटी बनती है। आपकी सिर्फ सोच आपका निर्माण कर सकती है, हर वो चीज आपकी जिंदगी में ला सकती है जो आप पाना चाहते हैं। बस आपको फीलिंग्स के साथ में उस मोमेंट को, जो आप जीना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसको फील करना है।
जब आप ऐसी चीजें फील करते हैं तो प्रकृति तक, कुदरत तक वो मैसेज जाता है कि इसको इस चीज की नीड है, और प्रकृति वैसी अनुकूलताएं लाने देने लग जाती है। लेकिन मैं दोस्तों ये नहीं बोल रहा हूं कि आपने आज विजुलाइज किया कल इसका आपको फल मिल जाएगा, आपको कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा जब तक उसमें एनर्जी क्रिएट नहीं होती है। लॉ ऑफ रिदम कहती है कि हम किसी भी चीज को बार बार सोचते हैं तो उसमें से एक विद्युत निकलती है, एक फ्रिक्वेंसी निकलती है। और अधिकतर लोग, मैं हर वीडियो में आप लोगों को बोलता हूं स्टार्टिंग में कि हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, तो इसका रीजन क्या है कि ये बार बार ये शब्द आपके दिमाग में, आपके कान में गूंजेगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होगा वो पॉजिटिव होगा। आप यदि पॉजिटिव सोचते हैं तो आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आती है। अगर आप अपने दुख तकलीफों पर फोकस करते हैं तो दुख तकलीफें आती हैं, तो बस आपकी सोच आपका निर्माण कर सकती है। और आज का जो मैं उपाय आपको बता रहा हूं ये आपकी धन संबंधित परेशानी दूर करेगा, ठीक है। और किसी भी कार्य के लिए जाते हैं, आपको ऐसा कोई काम है जो नहीं हो रहा है, तो ये चीज खा करके निकलेंगे तो आपका वो काम भी 100% होगा गारंटी के साथ में। और एक चीज दोस्तों बोलना चाहूंगा कि जो लोग मुझे अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से कंसल्ट करना चाहते हैं, अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं, काफी लोग कमेंट्स करते हैं कि सर आपका नंबर नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में चले जाइए, वहां पर मेरे असिस्टेंट का आपको नंबर मिल जाएगा, आप पेमेंट करके और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है तो आप अपना पूरा डिटेल्स, बर्थ चार्ट का जो डिटेल्स है, जो प्रॉब्लम्स है, अपना कॉलिंग नंबर, मेरे असिस्टेंट के नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दें, मैं 2 से 4 के बीच में आपसे कॉन्टेक्ट कर लूंगा और आपको बर्थ चार्ट के हिसाब से आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए वो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पर अभी पहली बार आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर कुछ खास एंजल्स नंबर्स, कुछ स्विच वर्ड्स और कुछ खास समय पर खास प्रयोग किए जाते हैं, कुछ खास योग बनते हैं, ऐसी जानकारी हमेशा प्रसारित करता रहता हूँ। खास समय पर किए गए प्रयोग 1000 गुना ज्यादा फल देते हैं। ऐसी कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो तो नोटिफिकेशन की जो ऑल बेल है उस पर क्लिक करके ऑन कर ले, ठीक है, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। जानकारी यदि पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, या आपको ऐसा लगता है किसी और को भी इस जानकारी की नीड है, कोई और व्यक्ति जो परेशानी में है, तो उस तरह की जानकारी को जरूर शेयर करें। आपके एक शेयर से कितने लोगों का भला हो सकता है, जैसे मेरे पास में जानकारी मैं आप लोगों को भेज रहा हूं, जब आप लोग मेरी दी हुई जानकारी से इस रेमेडी को करेंगे तो इसका पुण्य लाभ मुझे प्राप्त होगा। वैसे ही आप लोग जितने लोगों को इस जानकारी को देंगे और जितने लोग आपकी दी हुई जानकारी से इस रेमेडी को करेंगे उसका पुण्य लाभ बिना कुछ किए आपको प्राप्त होगा। तो अच्छा काम है, शेयर जरूर करें। इस प्रयोग को आप बुधवार के दिन में करेंगे, महिलाएं कर सकती हैं, वृद्ध कर सकते हैं, पुरुष कर सकते हैं। अशुद्धि की हालत में नहीं करना है, स्टोन ना पहना हो, जिस दिन प्रयोग करेंगे नॉनवेज शराब से दूर रहेंगे। साथ लेने हैं आपको कोरिंडा सीड्स यानी कि धनिया के बीज, और साथ लेने हैं आपको गुड़ के छोटे छोटे से पीस, ठीक है। घर के पूजा स्थान में बैठ जाएं, पूजा स्थान में बैठ करके नीचे आसन लगाएं, सिर पे कपड़ा डाल लें, स्वच्छ कपड़े पहन लें, घी का दिया जलाएं, अगरबत्ती लगाएं, पीला सफेद पुष्प या लाल पुष्प या गुलहड़ का मिल जाता है, जासून का तो और भी बेस्ट है, ये पुष्प तैयार रखें। गणेश भगवान की प्रतिमा है, फोटो है, उनके सामने इस प्रयोग को आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले शुक्री मुद्रा लगाएं, इस तरीके से दोनों हाथों को घुटने में रखें, गायत्री मंत्र पढ़ना है आपको, सांस अंदर खींचनी है, 10 सेकंड के लिए सांस को रोकें, सांस को बाहर छोड़ें, 7 से 11 बार इस प्राणायाम को करें। इससे आपकी आंतरिक शुद्धि होगी, दिमाग रिलैक्स होगा, नेगेटिविटी रिमूव होगी, आंतरिक ऊर्जाएं एक्टिवेट हो जाती हैं, रेमेडी करने से रिजल्ट अच्छा आता है। अब आपको गणेश भगवान का एक मंत्र पढ़ेंगे, हाथ में चावल लेंगे, थोड़े से पुष्प लेंगे, ठीक है। उसके बाद में ओम वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, ये करके ध्यान करेंगे गणेश भगवान का। उसके बाद में जल पुष्प, जो पुष्प अक्षत लिए थे गणेश भगवान के सामने छोड़ देंगे। उसके बाद में शुक्री मुद्रा लगा करके आपको गणेश भगवान का गायत्री मंत्र पढ़ना है, ओम वक्र तुंड महाकाय, सॉरी दोस्तों, ओम एक दंत एक दंताय विद्महे वक्र तुंडाय च धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, ओम एक दंताय विद्महे वक्र तुंडाय च धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। यही सुक्री मुद्रा लगा करके 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद में फिर से आपको 108 बार ओम वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, ओम श्री गणेशाय नमः। आप चाहे तो 21 बार भी कर सकते हैं, 51 बार भी कर सकते हैं, 108 बार करेंगे तो और भी अच्छा होगा।
ठीक है, ये आपकी जो सामने रखे हुए थे आपने किसी प्लेट में, आपको डिश वगैरह में आपको 7 कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया के बीज और 7 आपको छोटे छोटे गुड़ के पीस आपको रख लेने हैं। ये आप अभिमंत्रित हो जाएंगे, ठीक है। अभिमंत्रित होता है तो गणेश भगवान को प्रणाम करेंगे, आप गणेश भगवान से विनती करेंगे कि पूर्ण ऊर्जा के साथ में, रिद्धि सिद्धि बुद्धि के साथ में आप मेरे घर में, मेरे ऑरा में, सभी जगह मेरे विराजमान हो जाइए और मेरे सभी कार्यों को सिद्ध करिए। और उनसे प्रार्थना कर ले जो भी आपका काम रुका हुआ है, ठीक है, मतलब जो वो काम पूर्ण हो, धन संबंधित परेशानी दूर हो, दरिद्रता आपके घर से रिमूव हो, माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो, सुमति घर में आए, सभी शुभ काम आपके घर में हो, मंगलमय कार्य आपके घर में हो, आपकी जिंदगी में हो, ऐसे उनसे प्रार्थना कर ले। ये प्रयोग करेंगे दोस्तों सिर्फ 7 दिन के लिए होगा, बुधवार को दिन करेंगे। और जब भी घर से बाहर निकले तो 1 आप कोरिएंडर सीड्स और 1 आप गुड़ का टुकड़ा इसको मुंह में डाल के, मुंह में डाले रहिए, धीरे धीरे घुल जाएगा, उसको निगल जाइए। कोई भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं तो इसको करके जाना है। ये 7 दिन का प्रयोग रहेगा, आने वाले बुधवार में फिर से आप प्रयोग करके इसको सिद्ध कर लेंगे। अगर ये प्रयोग बुधवार आप करते रहेंगे, और जो लोग महिलाएं कर रही हैं, घर से बाहर नहीं जा रही हैं, तब भी आपको क्या करना है, इसको 1 उठा करके मुंह में डाल लेना है। इससे आपको आकर्षण पावर यानी कि आपके जिंदगी में धन का आकर्षण बढ़ेगा, आपके ऐसे काम बनेंगे, ऐसे लोग खुद चलकर आएंगे कि भैया ये कर लो, यहां से आपको पैसा मिलेगा। कर्म करने पड़ेंगे, बिना कर्म के पैसे नहीं आएंगे, धन योग बनेंगे, दरिद्रता दूर होगी, जो अनएक्सपेक्टेड पैसे खर्च हो रहे थे पैसे खर्च होना बंद हो जाएंगे, चारों तरफ से पैसा आना शुरू होगा, आपको घर बैठे ही कुछ ऐसा काम मिल जाएगा कि आप घर बैठे ही काम करेंगे और आपको पैसा आएगा। गणेश भगवान सारे विघ्नों को हरेंगे, दरिद्रता को बाहर करेंगे, आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, माता लक्ष्मी जिस घर में वास करती है उस घर में हमेशा सुख शांति धन वैभव ऐश्वर्य बना रहता है, घर स्वर्ग जैसा होता है। तो यदि आप घर से बाहर नहीं भी जा रहे हैं तो भी इसको खाते रहें। और जो पुरुष जैसे कि आप ये कर सकते हैं, घर की महिला कर ले तो अपना अलग रखें, ठीक है, उसको ढक करके रखना है, और नित्य प्रति 1 दाना कोरिएंडर का, धनिया के बीज का और 1 गुड़ का, ये आपको नित्य प्रति खाना है। आप चाहें तो एक ही दिन में 2 बार उसको अभिमंत्रित कर लें, बच्चों को भी खिलाएं। जो लोग भी इसको प्रयोग को करेगा, मतलब खाता रहेगा, तो उसके धन के योग बनते हैं, सक्सेस मिलती है, ग्रोथ मिलती है, किस्मत चमकना शुरू हो जाती है, लक साथ देता है, भाग्य साथ देता है। तो पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को आप करिए। तो आज के लिए इतने दोस्तों, और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं और न्यू व्यूवर्स हैं तो उनको बता दूं कि अगर आप लोग 41 डेज में अपनी जिंदगी को चमत्कारिक रूप से बदलना चाहते हैं तो एक छोटा सा प्रयोग, सो करके जब उठते हैं सुबह जरूर इस प्रयोग को करें, दोनों हाथ जोड़ें, जैसे ही नींद खुलती है तो उस समय आपका अवचेतन मन 10 मिनट के लिए एक्टिव होता है। तो हाथ जोड़ें, आसमान की तरफ देखें और ये बोलें बस, मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं, मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ संतान हूं, मेरे साथ में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ था, मैं बहुत धनवान हूं, मेरे पास में चारों तरफ से पैसा आ रहा है, मेरे पास में बहुत पैसा आ रहा है, और जो कुछ भी आपके पास में है ऑलरेडी उस चीज को लेकर के आभार व्यक्त कर दें, धन्यवाद बोल दें कि मेरे पास में घर है, 2 वक्त की रोटी है, अच्छा परिवार है, जो भी चीज आपको खुशी देती है उस चीज के लिए धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। जितना आप धन्यवाद करेंगे उतना ब्लेसिंग्स आएगी, प्रकृति आपको हर चीज ला करके देने लगेगी। बस ये आभार की जो मैं प्रार्थना बता रहा हूं, ये प्रार्थना 41 डेज आप करिए कंटिन्यू, उसके बाद में देखिए चमत्कारिक रूप से आपकी जिंदगी बदलेगी, प्रकृति हर वो चीज आपकी पॉजिटिव थिंग्स आपको लाके देगी जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूं कि हमेशा पॉजिटिव रहें, जब ये पॉजिटिव अफर्मेशंस आप आकाश में देख करके बोलेंगे तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। आप लोगों ने कहते हुए सुना होगा कि जब भी किसी को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो जब ये क्रिया आप कर रहे होंगे तब आपको फीलिंग्स के साथ में बोलना है, भावनाओं के साथ में, कि आप उनके लिए ग्रेटफुल हैं, आप उस चीज को लेकर के धन्यवाद कर रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं। जितना आप आभार व्यक्त करते हैं उतनी पॉजिटिव थिंग्स, उतनी वो चीजें जो आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में आना शुरू होती हैं। और जब जिंदगी से शिकायतें करते हैं तो जिंदगी में तकलीफें आना शुरू होती हैं। तो हमेशा आभारी रहें, ग्रेटफुल रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।